स्वागत है आपका। मैं हूं सनीनाथ, मेरे साथ में भगत सिंह है, इनसे हम बातचीत करते हैं और पीछे फोटो भी भगत सिंह की है। भगत सिंह जी, आज आपको यहां पर खाप पंचायत की तरफ से अध्यक्ष बनाया गया था खटखट टोल प्लाजा के ऊपर, तो क्या रणनीति तैयार हो रही है? देखो जी, रणनीति ये है, आज जो फैसला होता है तो ठीक है, फैसला तो होने वाला नहीं है, फैसला ये सरकार की मन में कुछ खराबी है, ये फैसला करने वाले नहीं है, तो फिर किसान भी उल्टे हटने वाले नहीं है। 26 तारीख की फुल तैयारी है, परेड कराएंगे, टैंकों के बराबर में परेड करेंगे किसान, फुल तैयारी है 26 तारीख की जी। और ये किसानों को बेवकूफ समझ रहा है सरकार, ये किसानों को बेवकूफ समझ रही है सरकार। कभी कहती है भाई वो करेंगे, वो कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी में से भी भागने लग गए हैं लोग इनके। चार सदस्यों के सरकार के द्वारा कमेटी बनाई गई थी, उसमें सुनने में ऐसा आ रहा है एक सदस्य ने तो कमेटी से इस्तीफा भी दे दिया है। हाँ जी, ये बिल्कुल उन्हीं के आदमी थे, और वो जो जिसने इस्तीफा दिया है वो भी पहले किसान इन्हीं के वो जो कानून, काले कानून बनाए थे इन लोगों ने, उन्हीं का समर्थन कर रहे थे सभी लोग। इन्हीं एक थैली के चट्टे बट्टे ही हैं भाई। हम तो ये कहना चाहेंगे भाई, किसान डरने वाले नहीं है। 26 तारीख को फुल, 18 तारीख को हमारी महिला शक्ति डिस्ट्रिक्ट कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगी पूरे शहर में, और 26 तारीख को किसान पूरे जोर शोर से किसान 26 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे जी। कहीं ना कहीं महिलाओं का भी काफ़ी अच्छा एक समर्थन किसानों को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी महिलाएं भी भारी मात्रा में यहाँ पर पहुँच रही हैं। हाँ, हमारी माता बहनें बिल्कुल ट्रेंड हैं, ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ तैयारी है फुल, माता बहनों की भी। वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कार्यालय पर ही वो नहीं है, वो दिल्ली भी जाएंगी अपने ट्रैक्टर लेके, दिल्ली भी पहुँचेंगे किसान जो माता बहन हैं वो दिल्ली भी पहुँचेंगे जी। क्या लगा आपने, मतलब आज कोई समाधान हो पाएगा जी? हमारी समझ में तो जो पहले 10-9 दौर की बात हो चुकी है, उसी में समाधान नहीं निकला तो अब क्या समाधान निकलेगा जी? क्या लगता है सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है मिला हुआ है आपस में? हाँ, इन्हें क्या वो था सारा, सुप्रीम कोर्ट सरकार का है सुप्रीम कोर्ट, जो बंदे ने कमेटी बनाई थी वो इन्हीं के बंदे थे। अच्छा, उनको वो पता भी चल गया भाई इन्हीं के बंदे थे, इसलिए जिकर वो भाई उन्हें वो एक कमेटी का सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, तो हमने पहले पता था भाई सरकार के आदमी है, कोर्ट भी सरकार की है, तो हम किसानों को भाई हम तो यही सलाह दे वहाँ भाई, अपना आंदोलन न्यू जारी रहूँगा, हर रोज़ स्पीड पकड़ रहा है, हर रोज़ किसानों का आंदोलन ज़्यादा संख्या में बढ़ने लग रहा है, कहीं पर भी कमज़ोर नहीं है, ये कमज़ोर करने की कोशिश तो कर रहे हैं भाई। ये कल हरियाणा न्यूज़ हरियाणा वाला बोल रहा था भाई, ये सिर्फ लाल झंडे वाले हैं, लाल झंडे वाले नहीं हैं भाई, हम सब किसान हैं जी। जो अपना वो कर रहे हैं CTU वाले वो अलग कर रहे हैं, चलो ठीक है, वो हमारा समर्थन दे रहे हैं, हम उनकी कदर करते हैं, और बिल्कुल हमारे को समर्थन मिलने लग रहा है सभी जातियों का, सभी वर्गों का, सभी समुदायों का, हमारे को किसानों को समर्थन मिलने लग रहा है। ये न्यूज़ सोचिए भाई, ये लाल झंडे वाले नहीं हैं, हम किसान हैं, हमारे झंडे अलग अलग हैं, कोई बात नहीं है, बाकी हम किसान हैं बिल्कुल। हाँ जी, फिर क्या लगा आपने, मतलब जो मीडिया दिखा रही थी किसानों के प्रति लाल झंडे वाले हैं, तो मीडिया कहीं ना कहीं गलत नहीं दिखा रही थी? मीडिया गलत दिखा रही है, इस पर एक वो BJP प्रवक्ता बोल रही थी कल इंडिया न्यूज हरियाणा पर, और एक बोल रहा है महाराष्ट्र के को अंजू वर्मा, वो किसानों के प्रति बहुत गलत बातें बोल रही हैं। अगर वो किसानों कहीं पर मिली नहीं तो उनकी खैर नहीं है, किसान देवता है, देवता उनकी खैर नहीं है। कहीं पर वो रोड पर निकल कर देखो, हमारे को वो उग्रवादी खालिस्तानी बोल रही हैं,
उनकी माँ बाप ने उनको क्या सिखाया है, प्रवक्ता बोल बनती हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता किसानों को ताना, वो माओवादी बोल रही हैं, माओवादी बोल रही है हमारे किसान नेता को, तो दिल्ली बैठता है दर्शन पाल को, ये माओवादी है। अरे किसान है, तने क्या पता किसान का, आपका जो मंत्री कृषि मंत्री हैं या आपके जो कुछ भी कृषि के आधार जुड़े हुए हैं वैज्ञानिक हैं, उनको ये नहीं पता भाई मेथी का पत्ता कैसा होता है, बरसीन का पत्ता कैसा होता है। हमारे छोटा बच्चा है जो 5 साल का बच्चा है, उसको भी यह पता है भाई ये किस किस चीज़ की फसल उगा रखी है। ओ मंत्री बना रखे हैं यार, राष्ट्रीय प्रवक्ता बना रखे हैं, तो उसने असली उसकी माँ की दूध चूंग रखे नहीं उसने, तो किसान ना बीच में आके दिखाओ पिंडी कमा देंगे पिंडी। गलत बता रहे थे किसानों को है, हाँ किसानों को यार गलत बोल रही है वा। अरे क्यों इंडिया न्यूज आ रहा है, News 18 आ रहा है, जी न्यूज है, APB न्यूज है, ये सभी उसकी उसको उसको ज्यादा सराहता दे रहे हैं। ये गलत गिरारी चढ़ा देंगे गिरारी। हाँ जी हमारे साथ भजन सिंह थे, काफी अच्छा इनका कहना है, कहीं ना कहीं लगातार जो किसानों के प्रति जो गोदी मीडिया है उनके द्वारा किसानों को गलत बताया जा रहा है, और किसानों को कहीं ना कहीं गलत बताया जा रहा है। लगातार आप जुड़े रहिए, धन्यवाद।